हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। होप यू आर डूइंग वेल। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक माइनर्स रिपोर्ट 2004। माइनर्स रिपोर्ट जो है पोल माइनर्स की लीडरशिप के अंडर बनाई गई टू रिव्यू द इम्पिडमेंट टू वोटिंग यूके शेयर्स। यूके शेयर्स की वोटिंग के दौरान क्या क्या हिंड्रेंस हो रही थी, क्या क्या प्रॉब्लम हो रही थी, उसको रिव्यू करने के लिए ही ये कमेटी बनाई गई और इसकी जो फाइनल रिपोर्ट आई वो हमारे पास 2004 में आई। मूविंग फॉरवर्ड, इस रिपोर्ट को लाने की रिक्वायरमेंट, क्या नीड अराइज हुई कि हमें रिपोर्ट बनानी पड़े, तो कंपनीज में वोटिंग के दौरान कुछ कमियां होती थी, कुछ लूप होल्स थी जिसकी वजह से ये रिपोर्ट बनाई गई। तो क्या होता था कि कंपनीज में जब हमारे पास शेयर्स की वोटिंग होती थी वो इतनी ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं थी जितनी होनी चाहिए थी, स्पेशली वो मैनुअल थी उस टाइम पर, मतलब वो स्लिप के थ्रू या जो भी है मैनुअली वे से वो वोटिंग करते थे, पेपर बेस्ड सिस्टम था, कंपनीज में लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी थी और वोटिंग के भी हमारे पास इक्वल राइट नहीं थे सभी को, कुछ को प्रायोरिटीज दी जाती थी और कुछ को निगलेक्ट किया जाता था। तो इसी वजह से वेरियस कॉरपोरेट बॉडीज़ बनाई गई ताकि वो इन लूप होल्स को ठीक कर सके, दोबारा से ये इशू ना अराइज हो। नेक्स्ट है आपके पास इस रिपोर्ट के अंडर रिकमेंडेशंस क्या दी गई। स्ट्रॉन्गली रिकमेंडेशन ऑफ इलेक्ट्रिक वोटिंग ड्यू टू विच इफिशेंसी कुड बी एनहांस। इलेक्ट्रिक वोटिंग, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के लिए रिकमेंड किया गया ताकि कुछ चीटिंग ना हो, लूप होल्स ना हो, एफिशेंसी इंक्रीज हो। मैनर्स बेसिकली एड्रेसिंग 350 FTSE इन्वेस्टमेंट मैनेजर प्रॉक्सी वोटिंग एजेंसी टू इंट्रोड्यूस सिस्टम। अब जो माइनर्स रिपोर्ट थे इसमें बोला गया कि इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स, प्रॉक्सी वोटिंग एजेंसीज और बेसिकली 350 FTSE कंपनीज़ को बोला गया कि आपको ये सिस्टम ही इंट्रोड्यूस करना है। अब FTSE का मतलब क्या है, द फाइनेंशियल टाइम स्टॉक एक्सचेंज कंपनीज। लास्ट आपके पास मेक डायरेक्ट एंड स्पेसिफिक इंक्वायरीज टू देयर एजेंसीज, एजेंट्स एंड अदर्स टू चेक व्हाट एक्सटेंट दे हैव। वेरियस एजेंट्स को बोला गया कि वो चेक करें, वो देखें क्या उन्होंने, कंपनीज़ ने इस चीज़ को अप्लाई किया है, किस लेवल पर किया है, कब तक करेंगे ताकि एफिशिएंसी इंक्रीज हो सके। लास्ट है इसका कंक्लूजन। कंक्लूजन बेसिकली हमारा इसमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के अराउंड ही चलता है, तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग रिमेंस द की टू इंक्रीज या एमेलोरेट एफिशिएंसी। वोटिंग सिस्टम्स नीड टू मेक कॉन्शियस एफर्ट्स टू इंट्रोड्यूस इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग कैपेबिलिटी इन 2004। उन्होंने बोला कि इसको एफिशिएंसी इंक्रीज़ करने के लिए, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने के लिए, इक्वल राइट्स क्रिएट करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग ही होनी चाहिए। तो ये थी आपके पास माइनर्स रिपोर्ट। होप यू लाइक इट। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।